पॉइंट इसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं। हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आप विंटर्स में अपनी स्किन को एकदम हेल्दी और एकदम ग्लोइंग दिखा सकते हैं। तो जो आप अपने फेस के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो बाद में आते हैं। फर्स्ट इज कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से रखते हैं। सेकंड पॉइंट इज ल्यूक वार्म शावर। सो बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ ना करें नहाने के लिए, ल्यूक वार्म हल्का गर्म पानी यूज़ करें नहाने के लिए। थर्ड पॉइंट इसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो है नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं। आधे घंटे बाद लगाएंगे, 20 मिनट बाद लगाएंगे, उससे क्या होता है आपकी बॉडी का जो सारा हाइड्रेशन होता है ना वो सारा सूख जाता है, तभी आपकी बॉडी एकदम ड्राई होती है। उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहाते ही आपको बॉडी में मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर रहे हैं फेस पे या बॉडी पे। ऑलरेडी विंटर्स हैं और ये सारी चीज़ों से आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है। फिफ्थ पॉइंट इज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेंजर यूज़ नहीं करने है, मतलब जो आप फेस वॉश लगा रहे हो, बॉडी वॉश लगा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। जैसे मैं एक ब्रांड का नाम लेती हूँ डव, तो डव के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो काफ़ी माइल्ड होते हैं। और अगर आप विंटर्स में फेस पैक भी यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी मॉइस्चराइजिंग वाले फेस पैक लगाने हैं, जैसे कि आप उसमें हनी बना के घर पे ही DIY बना के आप हनी ज़रूर ऐड करें, वो वाला फेस पैक आप लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट से भी लेके आते हो तो उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें लिखा हो मॉइस्चराइज्ड, मिल्क बेस्ड, ऑयल बेस्ड, ऐसा लिखा हो ताकि आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो। सेवेंथ पॉइंट इज हमेशा बाहर जाइए तो सनग्लासेस और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगा के जाइए, बिकॉज इट्स विंटर, हम लोग काफ़ी ज़्यादा धूप में बैठते हैं तो उससे डायरेक्ट सन की जो रेडिएशन है हमारे फेस और बॉडी पे आती है, उसे बचाने के लिए हमें सनग्लासेस और खूब सारा सनस्क्रीन लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए। संतरे आ रहे हैं अभी सर्दियों में, खूब सारे संतरे खाइए, बहुत अच्छे हमारी स्किन के लिए एकदम ग्लो आएगा और स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक अच्छा स्किन केयर रूटीन मेंटेन करके रहिए कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले फेस वॉश करना है, फिर टोनर लगाना है, फिर मेरे को एक डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके 5 मिनट बाद मुझे सनस्क्रीन लगाना है, लिप बाम्स लगाइए। लास्टली हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर कीजिए, इससे क्या होता है अगर आप सुबह वॉक करने भी जाओगे ना कभी देखना आपके फेस पे एकदम से ग्लो आ जाएगा। एक्सरसाइज जो होती है ना वो हमारी बॉडी से टॉक्सिस जो है वो रिलीज कर देती है, निकाल देती है और हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को एक हेल्दी और ग्लोइंग बॉडी बनाती है। आई होप ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे हों और आप ये सारे टिप्स फॉलो भी करें। ऑल्सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।